एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मिथुन को कोलकाता के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सोर्सेस का कहना है कि एक्टर को सीने में दर्द उठा है और उन्हें बेचैनी महसूस हो रही है, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती 73 साल के हैं। शनिवार सुबह अचानक से उनके सीने में दर्द उठा, हल्की हल्की बेचैनी भी उन्हें महसूस हो रही थी। साथ ही तबीयत बिगड़ने से पहले उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है, इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही पद्म भूषण मिलने के बाद उन्होंने खुशी जताते हुए कहा था कि ये पुरस्कार पाकर खुश हूँ, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे कुछ पाने की बेहद खुशी महसूस हो रही है। ये बहुत अद्भुत और अलग एहसास है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे आपको बता दें कि 2023 में मिथुन को सुमन घोष की सुपरहिट बंगाली फिल्म काबुलीवाला में देखा गया था। वहीं 2022 में उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में अहम भूमिका भी निभाई थी। फिल्म में रिटायर्ड आईएएस का रोल अदा करने के लिए उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। फिलहाल अब उनकी तबीयत पे क्या कुछ अपडेट सामने आता है, उसे जानने के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।